हेलो एंड एवरीवन, वेलकम टू इवेंट मैनेजमेंट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है, आप इवेंट प्लानिंग की सर्विस कितने तरीके से चार्ज कर सकते हो, कैसे चार्ज कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है, यदि आपका इवेंट प्लानिंग का सर्विस है या आप इवेंट प्लानिंग सर्विस देते हो या इवेंट का सर्विस देते हो या वेडिंग का सर्विस देते हो, तो आपका इवेंट प्लानिंग सर्विस के 5 तरीके हैं, 5 तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि लोकेशन वाइज भी आप चार्ज कर सकते हैं। मेजॉर सिटी में लाइक मुंबई, कोलकाता, गुजरात में आप हाई चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप स्मॉल टाउन में आप बहुत कम चार्ज करेंगे, क्योंकि जो मेजॉर सिटी होती है उनकी परसेंटेज आप ज़्यादा आप रख सकते हैं, उनकी बजट ज़्यादा होता है। जो स्मॉल टाउन में होते हैं उनकी कम बजट होती है। तो आप इस तरीके से आप सर्विस का चार्ज कर सकते हैं। तो 5 तरीके हमारे हैं। तो 5 तरीके में हमारे पहले सबसे एक घंटे के दर के हिसाब से ले सकते हैं, कितने दर घंटे आपने काम किया। दूसरा आपका फ्लैट फीस, आप अपना एक फीस ले सकते हैं। तीसरा आपका परसेंटेज ऑफ इवेंट, आप अपना इवेंट का एक परसेंटेज ले सकते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज ले सकते हैं। डे ऑफ कोऑर्डिनेशन, डे ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है कि आप इवेंट के दिन गए, कोऑर्डिनेशन किए और आपको एक चार्ज मिल गया, आपको एक फीस मिल गई। 5 नंबर पर आपका आता है वेंडर कमीशन, आप वेंडर से कमीशन लेकर भी आप काम कर सकते हैं। तो हमारा 5 टॉपिक आज का लेसन में, तो हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए, पहला हमारा है घंटे के दर पे, प्रति घंटे के दर पे आप कैसे चार्ज करेंगे। आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछो कि आप किस लायक हो, आपकी काबिलियत क्या है, उसके बेस पे ही आप घंटे या प्रति घंटे दर पे आप चार्ज कर सकते हो। जिस तरीके से आपकी एक्सपीरियंस होगी, जितने आपका नॉलेज होगा, उसी के बेस पे ही आप घंटे प्रति घंटे चार्ज कर सकते हो। आप यदि नए हो, आप नई इस इंडस्ट्री में आए हो और आप एक घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हो, तो 2000 रुपये आप घंटे चार्ज कर सकते हो या आप इससे भी कम चार्ज कर सकते हो। यदि आपकी पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने बहुत सारे इवेंट किए हुए हैं, तो आपको 5000 रुपये या 5000 से प्लस आप चार्ज कर सकते हैं अपने एक इवेंट के लिए। नेक्स्ट आपका है फ्लैट फीस। फ्लैट फीस में क्या होता है कि जब भी आप अपने क्लाइंट से कुछ बिल कर रहे, बिलिंग कर रहे, तो उसी के ऊपर ही आप अपना फीस ले सकते हैं अपने परसेंटेज के बेस। यदि उनका फीस 10 लाख का इवेंट हो रहा है, तो उसके बेस पे आप अपना कुछ एक फीस रख सकते हैं। वो क्लाइंट को पता होता है कि आप एक फीस लेने वाले हैं, क्योंकि आपका जो काम है उनको पता है कि आप एक इस काम का फीस लेंगे। वो सरप्राइज नहीं होते, वो चौंकते नहीं हैं। जब भी आप फीस ले रहे, जब भी आप अपने सर्विस का चार्ज ले रहे, तो आप ध्यान रखें कि जो आपका वेंडर का फीस है, टोटल वेंडर का फीस के ऊपर ही बेस्ड होता है आपका परसेंटेज। तो जो भी आपका वेंडर का जो परसेंटेज होता है, जो कमीशन होता है, 10 से 15% होता है। मान लीजिए आपका जो कैटरर, जो वेंडर है, उसका 30,000 का एक आपका कॉस्ट बना है आपका कैटरिंग का, तो आपका उसका 3000 से लेकर 4500 तक आपका एक फीस बनती है, आपकी एक कमीशन बनती है। तो आप इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं कि आपका 3 से 4500 रुपये आपका कमीशन है, तो आप कितना आपसे आपको उनको चार्ज करना चाहिए। ये हर किसी इवेंट में होता है, ये आप सोशल इवेंट में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, कॉर्पोरेट इवेंट में भी कर सकते हैं, ये हर इवेंट में यूज़ होता है इस तरीके का फीस। और जब भी आप अपने क्लाइंट्स को इवेंट ले रहे हैं या वेडिंग का इवेंट ले रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट ले रहे हैं, तो इवेंट का पहले ही आप 50% आप एडवांस ले लें, आप डिपॉजिट ले लें, क्योंकि क्या होता है कि वो इवेंट वाले दिन आपको सारे वेंडर को आपको पेमेंट क्लियर करना होता है, तो आप पहले ही 50% ले लें। और इवेंट के दिन या इवेंट के 2 सप्ताह के अंदर, इवेंट के दिन या इवेंट के 2 सप्ताह के अंदर आप 50% पैसा आप ले लें। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज ऑफ इवेंट, आप इवेंट का ऊपर परसेंटेज भी ले सकते हैं। परसेंटेज कैसा होता है कि जैसे टोटल बजट होता है उनका, जैसे क्लाइंट का 10 लाख का टोटल इवेंट का बजट है, आपने किसी क्लाइंट के साथ डील किया, कॉर्पोरेट इवेंट हो या सोशल इवेंट हो या बर्थडे पार्टी हो, कोई भी, उन्होंने कहा कि मेरा 10 लाख का बजट है, तो 10 लाख में आपका 15 से 20% आपका एक चार्ज ले सकते हैं। आप 1.5 से 2 लाख रुपये आप चार्ज ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें 1.5 से 2 लाख रुपये जब आप चार्ज करते हैं, तो एक काम का काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो चुके हैं। तो इस परसेंटेज को आप कम कर सकते हैं, आप 10% या 5% आप ले सकते हैं। जब आप बहुत पुराने हो जाएंगे, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी, तब आप 15 से 20% आप चार्ज कर सकते हैं अपने एक इवेंट के लिए। तो परसेंटेज वाइज भी आप ले सकते हैं किसी इवेंट का, यदि आप कर रहे तो। नेक्स्ट आता है आपका डे ऑफ कोऑर्डिनेशन। डे ऑफ कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि आप किसी भी दिन जाकर आप किसी भी क्लाइंट का आप इवेंट को कोऑर्डिनेशन करते हैं। अधिकतर ये वेडिंग में होता है या कोई स्पेशल इवेंट हो रहा,
तो आपको बुलाते हैं और आपको सिर्फ इवेंट को मैनेज करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है। आपको इसमें बहुत ही आसान होता है क्योंकि जितने सारे वेंडर होते हैं क्लाइंट के खुद के होते हैं, आपको हायर करना नहीं पड़ता है, वो आपको जाना है और काम करना है, मैनेज करना है, फिर आ जाना है। इसको आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, फ्लैट फीस में ले सकते हैं, इसको घंटे के हिसाब से ले सकते हैं आप, या पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे आप इसमें ले सकते हैं, डे ऑफ कोऑर्डिनेशन जो पर डे का बेस पे आपको किसी ने हायर किया है। नेक्स्ट आते हैं वेंडर कमीशन। वेंडर कमीशन क्या होता है कि कुछ प्लानर जो है, जो माइनॉरिटी में जो कुछ प्लानर हो, क्या करते हैं वो फ्री में इवेंट करते हैं, वो ना ही क्लाइंट से कुछ फीस लेते हैं ना ही चार्ज लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो कुछ लोग नए नए इस इंडस्ट्री में आते हैं अपना मार्केट बनाने के लिए, तो चार्ज भी नहीं लेते, फीस भी नहीं लेते, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने वेंडर से कमीशन लेते हैं। जिस वेंडर को हायर करते हैं उससे वो कमीशन लेकर पैसे कमा लेते हैं, पैसे अपना इनकम कर लेते हैं, और अपने क्लाइंट से कुछ भी चार्ज नहीं लेते, कुछ भी फीस नहीं लेते। एक वेंडर से आप किसी को काम दे रहे तो 10-15% को आपका कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने किसी का काम लिया आपने क्लाइंट का, और किसी वेंडर को आपने दे दिया, जैसे कैटरर को दे दिया आपने, डेकोरेशन वाले को दे दिया कि भैया आपका एक हमारा इवेंट का काम है आप कर दें डेकोरेशन का, तो आपका डेकोरेशन का काम कर देंगे, आपको 10% आपको कमीशन मिलेंगे। 30 लाख का यदि डेकोरेशन है या 20 लाख का डेकोरेशन है तो आपका उसका 10% आपको मिल जाएंगे। 10% सबसे मिनिमम होता है कि 10% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत लोग उससे कम भी कर देते हैं, उससे कुछ लोग ज़्यादा भी देते हैं। तो आप अपना एक बात कर ले वेंडर के साथ, जो भी आपको अच्छा कमीशन दे रहा है वेंडर आपको, तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत अच्छी डिटेल्स में बताई हुई है इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमारा करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना है कि इंट्रोडक्शन टू इवेंट मैनेजमेंट का, उसे आप देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या करिकुलम है, कि आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 8420515983। हमारे किसी भी टीम के साथ आपको बात हो जाएगी, जिससे आप अपना बात कर सकते हैं कि इस कोर्स में क्या है, आपको किस तरीके से इंडस्ट्री में आना है, वो फ्री कॉल रहेंगे आपके लिए, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।